हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियोज़ में। टाटा नेक्सॉन ने नया अपना फेसलिफ्ट एवी मॉडल लॉन्च कर दिया, जो काफ़ी देखने में बेहतरीन लगती है। मार्केट में गेम चेंजर के नाम से साबित होगी और मार्केट में तहलका मचा देने वाला है। इसमें नया इलेक्ट्रिक इंजन इस गाड़ी में डाला गया और काफ़ी एरोडायनामिक इस गाड़ी को बनाया गया, जिससे इसकी रेंज काफ़ी बढ़ सके जो है, और इसमें बैटरी की पावर भी बढ़ाई गई है। और ये गाड़ी जो है 16 इंच के अलॉय व्हील में आती है, और अलॉय व्हील को भी काफ़ी एरोडायनामिक बनाया गया। बाहर से एयर हवा जिसमें पास हो ऐसा बम्पर इस गाड़ी में लगाया गया है। और कंपनी का दावा है कि जितनी इस गाड़ी की रेंज होगी, जिस प्राइस में होगी, कोई गाड़ी नहीं दे सकती। और इस गाड़ी से आप अदर डिवाइस भी चार्ज सकते हैं, जैसे अपना लैपटॉप, अपना टीवी, अपना घर भी चला सकते हैं इस गाड़ी से। और जिसका फ्रंट लुक है, इसमें जो एलईडी लाइट पूरा इस टाइप से उस बगल तक दी गई है, जो पूरा एरोडायनामिक रोटेट होती रहेगी गाड़ी। जैसे गाड़ी को आप ऑन ऑफ करेंगे, वैसे गाड़ी की लाइट्स जलेगी एलईडीज वाली इस बगल से उस बगल, जो कि काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में पहले आता था, जैसे BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियों में यह एलईडीज लाइट आती थी। आपको नेक्सॉन टाटा जैसी कंपनी 15 से 20 लाख के रेंज में इस गाड़ी को आपको लॉन्च की है। अब इसका ऑफिशियल रेट नहीं आया है, पर इसका रेट ऑफिशियल आ जाएगा 14 सितंबर को, जो कि ऑफिशियल रेट है। गाड़ी क्या दाम होने वाला है मार्केट में, डिज़ाइंस की बात करें, अब तक के गाड़ी में जो भी आप देखते थे उसमें आपको 7 इंच 10 इंच का डिस्प्ले मिलता था, बट इस गाड़ी में 12.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया, जो 9 स्पीकर्स के साथ आता है। इसमें आप जैसे अपर कार प्ले, ऑटो कार प्ले, और आप जो इस गाड़ी में हैवी गेम्स भी खेल सकते हो इस गाड़ी में। और बात करें बैटरी की, तो इसमें 30 किलोवाट की एक बैटरी आती है और 40 किलोवाट की बैटरी आती है। जो 30 किलोवाट की बैटरी है उस गाड़ी, उसका रेंज जो है 325 किलोमीटर का है, और जो 40 किलोवाट की बैटरी है उसमें आपको जो 465 किलोमीटर का रेंज इस गाड़ी में मिल जाता है। इस गाड़ी में 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट जैसे भी फीचर्स आते हैं। टॉप मॉडल में आप थोड़े से पैसे देकर वो सब ले सकते हो। फ्रंट की बात करें तो आपको LEDs, DRLs लाइट मिलती हैं। और डिज़ाइन की बात करें तो इस रेंज में अब तक कोई भी इंडियन मार्केट में कोई भी गाड़ी ऐसी डिज़ाइन में कोई गाड़ी नहीं उतारी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में मिल जाता है। 465 mm का लीटर का जो है बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है। 3 स्पोर्ट्स मोड भी इस गाड़ी में मिलते हैं। बात करें इस गाड़ी में 6 वेरिएंट में गाड़ी ने इसको लॉन्च किया है। व्हाइट कलर से इसमें आपको और कई ऑप्शन कलर के मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और बात करें इसका जो फॉग लैम्प है फ्रंट, तो वो भी आपको स्टीयरिंग के साथ घूमता है। जैसे आप इस गाड़ी की स्टीयरिंग काटेंगे तो ऐसे फॉग लैम्प भी आटे से मुड़ेगा, आगे से मुड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ियों में आता है। 2 स्पोक इसमें स्टीयरिंग दिया गया है, जो टाटा का लोगो, इसमें भी लाइट अंदर से जलती है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो उसमें भी लाइट आपको जलेगी। DRLs LEDs जो है एरोडायनामिक बनाए गए हैं, जो काफ़ी नाइट में अच्छे लगते हैं इस गाड़ी को। और बात करें जो नीचे का प्रोजेक्टर, उसका थ्रो काफ़ी बेहतर बनाया गया है, और ये भी टायर के साथ मुड़ता है, आगे पीछे होता है। नीचे का बम्पर काफ़ी एरोडायनामिक बनाया गया है। और 12.5 इंच का इसमें जो क्लस्टर मीटर आपको दिया गया है, जिसमें सारे सिस्टम आपको अपडेट से मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हिल असिस्टेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, और लैंड क्रूजर से जो है इसका जो गियर नॉब बनाया गया है। 3 स्पोर्ट मोड इस गाड़ी मिलते हैं, इको स्पोर्ट एंड सिटी मोड्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील, काफ़ी एरोडायनामिक पीछे ईवी की बैजिंग मिलती है, जो कि काफ़ी ही आपको बैटरी बैकअप को बढ़ाते हैं। जो टायर भी इसमें अलग टाइप से लगते हैं, जो कि रोड पे घर्षण बहुत ही कम इसमें लगता है, जो कि आपकी बैटरी बैकअप को काफ़ी बढ़ाते हैं जो टायर इसमें लगाए गए हैं। एसी वेंट्स की बात करें तो थ्रो इसका 360 वाट के साथ काफ़ी बेहतर है, जो एसी कूलिंग अच्छा करता है। बात करें इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको दिया गया है, जो काफ़ी वन टच से, और जो है आपको वॉइस कनेक्टेड भी होता है। इसमें सारे फीचर्स EBS, EVDs और जो कनेक्टेड के साथ आते हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे माइलेज निकाल के देती है। कलर्स की बात करें उसमें तो ओशियंस ब्लू निकलते हैं, नॉर्मल ब्लू उसकी गाड़ी आती है, और आपको ग्रे कलर्स आती है डुअल टोन कलर में, रेड कलर आता है जो ब्लैक के साथ काफ़ी बेहतरीन लगता है। सार्फिन टीना पीछे दिया गया हुआ है, और ओशियंस ब्लू भी ऑप्शन मिलता है, और पेस्टिस वाइज का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।